जब हम नमाज शुरू करते हैं तो शैतान पास आता है या वो और दूर जाता है? मेरा भी और एक क्वेश्चन है, हम नमाज में दो सजदे क्यों अदा करते हैं? बेसिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसान और शैतान में क्या फ़र्क है? इंसान और शैतान में क्या फ़र्क है? जब अजान होती है शैतान पास होता है या दूर जाता है उस टाइम? दुनिया में एक सांप था बेशक, जो सब सांपों को निगलता था। सब सांपों को निगलता था। वेट वेट, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह भाई, आपका नाम? सुहेल। सुहेल भाई, आपका? उजैर। उजैर, माशाल्लाह। तो इस्लाम के रिलेटेड आपको दो तीन सवाल होंगे, ठीक है? अगर सही से आंसर दिया तो एक रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है? ये भाई, ये पता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज किया, ठीक है, उन्होंने वहाँ पर कुछ अजीब गरीब मामला देखे थे या चंद जगहों पर सैर किया था? जहन्नम और जन्नत देखा उसने वहाँ पर। अच्छा, एक कॉमन सेंस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? कॉमन सेंस इस तरह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नाम रखा जाता है वो बताइए क्या रखा जाता है? मोहम्मद। मोहम्मद और अहमद। मोहम्मद और अहमद। मोहम्मद और अहमद, माशाल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाती नाम थे चंद, यानी कि उनके अपने नाम थे। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद और अहमद। अहमद, एग्जैक्टली। दुनिया में सबसे पहले किसी ने अजान दी थी, उस मुअज्जिन का नाम बताना है। हज़रत बिलाल। अच्छा, एक बार ये पता है कि इसके बारे में थोड़ा कंसेप्ट, कि जब हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला ने एक बार अजान नहीं दी थी तो फिर क्या हुआ था? सूरज नहीं निकला। सूरज नहीं निकला और वक्त रुक, वक्त रुक गया था। एक ऐसा जानदार है, ठीक है, जानदार हम कहेंगे उसको, जो पहले चार टांगों पर चलता है, फिर दो टांगों पर, और फिर आखिर पे तीन टांगों पर। इंसान। इंसान कैसे? जब वो छोटा है तो वो हाथों से भी चलता है। हाँ हाँ हाँ, बेशक। चार टांग हो गए भी। जब वो बड़ा होता है अच्छा खासा, फिर वो दो टांगों पे चलता है। बेशक। फिर जब बूढ़ा होता है फिर उसे लाठी की जरूरत पड़ती है। आपने हमें इतने सवाल, क्या हम एक पूछ सकते हैं? माशाल्लाह, श्योर, क्यों नहीं। इंसान और शैतान में क्या फ़र्क है? इंसान और शैतान में क्या फ़र्क है? सिंपली, इंसान जो है वो मिट्टी से पैदा हुआ है, ठीक है, अल्लाह ताला ने उसकी तख्लीक मिट्टी से की है, जबकि शैतान को आग से बनाया गया है, ठीक है, सिंपल सा आंसर। आपका कोई? हाँ, मेरा भी एक क्वेश्चन है, जब अजान होती है शैतान पास होता है या दूर जाता है उस टाइम? सिंपली उस टाइम शैतान भाग जाता है, बहुत दूर भाग जाता है, ठीक है। कितना दूर जाता है? इसके बारे में एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता हूँ, आई डोंट नो। जब हम नमाज शुरू करते हैं तो शैतान पास आता है या वो और दूर जाता है? हाँ हाँ, बेशक, उस टाइम शैतान क्लोज आ जाता है। क्यों क्लोज आता है? क्योंकि इंसान को वो नो बुरे ख्यालात मिलते हैं, उसको बुरे ख्यालात डालते हैं उसको, ठीक है, ताकि उसका यू नो जो अटेंशन है नमाज के लिए वो डाइवर्ट हो जाए। एक ऐसी नमाज है जिसमें आखिर पे हम चार सजदे अदा करते हैं। शुभ। अच्छा, किसी नमाज में हम चार सजदे अदा करते हैं? करते हैं? कब करते हैं? कभी किया है जिंदगी में? कभी चार सजदे अदा किए हैं? जब सजदे सहव हो, जिस नमाज में सजदे सहव हो, ठीक है, जिस नमाज में कोई गलती हो जाती है तो फिर हम आखिर पे चार सजदे अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबलीस को लानत क्यों भेजी? उस पर लानत क्यों भेजी? बेशक, देखिए, जब तख्लीक हो रही थी दुनिया की, ठीक है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया बनाई थी, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों से बताया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई तो उन्होंने सब फ़रिश्तों को बताया कि इसको सजदा कीजिए, ठीक है, सब ने मिलकर सजदा किया, लेकिन इबलीस ने सजदा नहीं किया था, ठीक है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अपने दरबार से निकाला, ठीक है, जबकि इबलीस तब तक, चंद रिवायत में ये मिलता है कि इबलीस तब तक फ़रिश्तों का सरदार था, ज़मीन पर वो कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ पर इबलीस ने सजदा नहीं किया होगा। इसको कहते हैं तकब्बुर करना। उसको तकब्बुर हुआ था उस वक्त, क्यों हुआ था? बिकॉज उसने सोचा कि मैं आग से पैदा हुआ हूँ और ये मखलूक जो है नूर से पैदा हुई है। बेशक। मेरा भी और एक क्वेश्चन है, हम नमाज में दो सजदे क्यों अदा करते हैं? बेशक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमाज में हम दो सजदे सिंपली इसलिए अदा करते हैं क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम की तख्लीक की थी, ठीक है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा कीजिए। इबलीस ने सजदा नहीं किया, ठीक है, जो अभी मैंने डिफाइन किया है।
इब्लीस ने सजदा नहीं किया तो फिर उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर लानत बरसाई, ठीक है। एंड देन फिरिश्तों ने और एक सजदा किया था ताकि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी से बच जाए। दुनिया में एक सांप था बेशक जो सब सांपों को निगलता था, सब सांपों को निगलता था, निगलता था। वेट वेट वेट, एक ऐसा सांप, हाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसे मुबारक था, ठीक है, जिसको सांप बनता था वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनको एक मौजज़ा मिला था, ठीक है। चलिए भाई, आपका कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बिकॉज़ हम लोग यही चाहते भी है कि डे टू डे लाइफ इंसान के अंदर इस्लाम इम्प्रूव हो जाना चाहिए, ठीक है, और आपकी वजह से हमने सीखा एंड हमारी वजह से आप लोगों ने सीखा, तो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।